इथे किसाना नु कोई कसब को कारोबारी ना समझियो, इथे किसान एक कौम है, इथे किसान नी एक मजहब है। और साडा लीडर पता कौन है? बाबा नानक। और जो किसान नाल खेतां च हो रहा नारा ही बदल गया, जा जवान जा किसान। सानू नहीं चाहिए दोवें, अज ये नारा दिता जा रहा एक तरह ना इंडायरेक्टली। जिंदाबाद पंजाब दा किसान, पंजाब दी किसानी जिंदाबाद। सत श्री अकाल जी, असि इत्थे इंग्लैंड एक फिल्म की शूटिंग ते आए हुए हैं, और मैं अपनी सारी फिल्म इंडस्ट्री का अपने साथी कलाकारां दा धन्नवाद करना चाहुंदा। बड़ा शलाघायोग काम कर रहे ने इस वेले किसान दे नाल, किसानी दे नाल जो जुलम जबर हो रहा है। मेरी पूरी इंडस्ट्री अज उन्हां दे नाल खड़ी है, मैनू माण है अपनी इस इंडस्ट्री ते। और असि भी वापस आने वाले ही हैं जी, आके इस संघर्ष का हिस्सा वा असि भी। और मैं कहना चाहवांगा कि यह जिहड़ी पंजाब दी धरती है ना, मैं कन्न खोलन लई गल कह रहा, इथे किसानां नूं कोई कसब कोई कारोबारी ना समझियो, इथे किसान एक कौम है, इथे किसान नहीं एक मजहब है। और साडा लीडर पता कौन है? बाबा नानक। चार उदासियां तो बाद जिन्हें 12 साल करतारपुर दी जरखेज पवित्र धरती दे उत्ते वाही खेती कीती सी, उहदी कौम है। इहदी धरती नूं, इहदी किसानी नूं किवें उजाड़ सकदे हो तुसीं? ट्रालियां दे मगर लिखिया पढ़ी जांदा सी जय जवान जय किसान। अज बॉर्डर ते जो जवान नाल हो रहा सिर्फ सरकारी पॉलिसीज दे करके, और जो किसान नाल खेतां च हो रहा नारा ही बदल गया, जा जवान जा किसान। सानू नहीं चाहिए दोवें, अज यह नारा दिता जा रहा एक तरह ना इनडायरेक्टली। सो मैं इस गल च फखर महसूस करदा कि साडे आउण तो पहला जदों असीं आए उदों अजे काम शुरू होण वाला सी। पंजाबी एक्टर गुरप्रीत घुग्गी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, जो किसानी मसले ते अज ऑर्डिनेंस के खिलाफ सारा पंजाब एकजुट होया, उस दे खिलाफ भी उन्होंने अज वीडियो पाई है। वह बाहरले देश दे विच सीगे, कोई शूटिंग हो रही सी ते उत्थों उन्होंने एक वीडियो पा के संदेश दिता है कि वह किसानों के नाल ने, ते जिवें ही वह वापस भारत दे विच आउणगे, पंजाब दे विच आउणगे, तां मुड़ तों वह इस खेत्र दे विच किसानों के नाल रैलियां ते नज़र आउणगे। ते होर की कुछ कहिंदे ने, आओ वेखदे हां इस वीडियो दे विच। सब तो पहली पोस्ट जो मैं पाई सी, मेरे तो पहला जिहड़ी पोस्ट पाई सी अज भाजी करमजीत अनमोल ने पाई सी, ते मतलब असीं सारे कलाकार किसानी दे नाल खड़े हैं। भाजी दस्सो। सत श्री अकाल जी, जिवें कि भाजी ने सारा कुछ दस ही दिता है कि अज किसानां दा संघर्ष चल रहा है, क्योंकि मैं भी एक किसान का पुत हाँ, मैनू पता है कि किसान दीआं की मुसीबतां हुंदीआं ने, ते होर भी उन्हां दे हक खोए जा रहे ने, ते इस तों माड़ी गल नहीं हो सकती। तो साडा कलाकार भाईचारा जिवें कि तुसीं देख ही रहे हो कि पूरा मोढे नाल मोढा ला के किसानां दे नाल खड़ा है, और असीं भी सानूं थोड़ा जिहा अफसोस है कि असीं अपने मुल्क तों बाहर हाँ। जदों भी आ गए असीं भी जिथे भी कहोंगे, जिथे भी कोई प्रोटेस्ट करना पऊ जां जो भी करना पऊगा किसानां वास्ते असीं करांगे। और मैं दोबारा फिर सारे कलाकार भरावां नूं यही गुजारिश करांगा कि इसे तरह ही इदां ही हौसले बुलंद रखियो, आपां जंग जितनी है जितनी। आओ जी, तो जिथे किसानी खड़ी है, खेत मजदूर का बच्चा भी मैं कहांगा साडे नाल। हरबीर सिंह बड़ी संघर्ष की जिंदगी चो के आया, सो मैं चाहूंगा हरबीर भी अपने विचार। सत श्री अकाल जी, बस भाई हुण ने सारा कुछ कहा है, तां मैं बाबे नानक जी तों अर्ज़ी करना कि जिहड़ा तुसीं कट कीता है किसानां नाल, आपां किसानां नाल खड़े हां, जिंदाबाद किसान। और देखो एक किसान सारे ही संसार का ढिड भरदा, वह जिदा मर्जी सप्पां दीआं सिरां मिध के अपनी कणक बीजदा झोना बीजदा, पर यह सरकारां समझदियां भी एवें हो जांदी खेती। पर मैं बाबे नानक नूं इक्को अर्ज़ी करदा कि बाबा जी सारे किसानां नूं इन्नी की शक्ति दिओ कि सरकारां नूं पता लग जावे जुल्म की हुंदा, और जुल्म दा टाकरा करन वाले अगे महान बंदे आ, उन्हां नूं इहो जी गलत सलाह नहीं देनी चाहीदी, गलत कानून नहीं बनाने चाहीदे। सो मेरी इक्को बेनती आ, मैं डट जाओ अहीं तुहाडे नाल। और असीं इह खेती बिल्लां दा विरोध करदे जिहड़े हुण के लॉ बन चुके ने, असीं वापस आ के संघर्ष दा हिस्सा बन के उदों तक नाल आ जद तक इह जिहड़े कानून है इह वापस नहीं लए जांदे। बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद पंजाब दा किसान, पंजाब दी किसानी जिंदाबाद। दोस्तों, पंजाबी कलाकार चाहे वह कोई एक्टर होवे चाहे सिंगर होवे, एक बहुत वड्डा रोल अदा कर रहे हैं यूथ नूं बाहर कढ़न दे विच, ते उम्मीद करदे हां आने वाले टाइम दे विच जल्द तो जल्द किसानां नूं मुड़ तों उनां दे हक वापस मिलणगे।